सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है कार ड्राइव करते वक्त। पहले कुछ टाइम पहले मैं नहीं लगाता था, बट तब थोड़ा सा नादान था, बट जब से समझदार बना हूँ और डेली बेसिस पे कार ड्राइव करने लगा हूँ तब से मैं सीट बेल्ट लगा देता हूँ। 5th सितंबर मंडे 2022 और सुबह के बज रहे हैं 9, देख लो 8:58 हो रही है, मतलब कि 9 बज गए समझ लो। वेलकम टू माई YouTube चैनल HX94 Vlogs, आई होप यू आर एक्चुअली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। आज पता नहीं क्यों बट मैं मेंटली खुद को ऐसे थका हुआ थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ और फिजिकली भी थकान थोड़ी सी महसूस हो रही है, बिकॉज कुछ दिनों से ना लास्ट डेट में हमने इतना सारा काम निपटाया है, ये करना वो करना सुबह से रात, और फिर घर जाने के बाद भी वही सारा डिस्कशन, तो मेंटली भी थोड़ा ऐसे थकान हो जाती है। 3 व्लॉग ऑलरेडी मैंने शूट करके रखे हुए, एडिट करने का टाइम नहीं मिला, थक जाता हूँ तो फिर एडिटिंग नहीं हो पाती है, बट जैसे भी होगा थोड़ा थोड़ा करके ऐसे एडिट करके आपको अपनी YouTube चैनल पे दिखाते रहूंगा, समझ रहे हो बात को। सो यही सब है गाइस, यही सब है, बहुत कुछ ऐसे चेंज हो चुका है, जिंदगी पूरी बदल चुकी है और बदलने वाली है, जो कि अच्छी बात है। जिंदगी बदलनी चाहिए, जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आने चाहिए, तभी तो लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हम, है ना। फाइनली मैं अपने पंचवटी रेस्टोरेंट पे पहुंच चुका हूँ और मुझे ये चेक करना है कि मेरे कैमराज क्यों नहीं चल रहे। जी हाँ, योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड विथ इंटरनेट। देख लो गाइज, 8 कैमरा लगाए मैंने, 8 कैमरा में से एक भी कैमरा ऑन नहीं दिखा रहा है, कनेक्शन फेल दिखा रहा है। देख लो, एंट्रेंस गेट पे ही 2 कैमरा है, 1 और 2, तो देखना पड़ेगा मुझे, इंटरनेट शायद इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इस वजह से ही ये हो रहा है कि मुझे नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी यहाँ पे वीडियोस दिखा नहीं रहा है। जब से कैमराज लगाए हैं ना, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है। मैं रेस्टोरेंट पे नहीं रहता फिर भी मैं ऑलवेज ये मोबाइल के अंदर कैमराज लाइव ऐसे अपडेट ऑन ही रखता हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि मेरे रेस्टोरेंट के आसपास और कोने कोने में क्या चल रहा है। तो ये है, ये एक प्लस पॉइंट है कैमरा का, अच्छी बात है कि भाई कैमराज ना थोड़ा सा आपका लोड कम कर देते हैं, आप चाहे आपकी जगह से बाहर ही क्यों ना हो, तो ये एक अच्छी बात है। और 1-2 कैमराज मैं फिट करवाऊंगा, जी हाँ, और 1-2 कैमरा मुझे लगवाने हैं, वो कहाँ पे लगवाऊंगा आपको पता चलता रहेगा। बाकी अभी तो फिलहाल चप्पे पे नजर मैं रख सकता हूँ ये 8 कैमरा से। ओके, सो कैमराज ऑन हो चुके हैं, क्या दिक्कत थी वो मुझे पता चल गया था, तो अभी बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस आपको नहीं बता सकता कि क्या दिक्कत थी, बट छोटी सी दिक्कत थी, मेरी गलती हो गई थी कल, तो उस वजह से कैमरा ऑफ थे पूरी रात। बट अब देखो, अब कभी ऑफ नहीं होंगे, बिकॉज मैंने उस तरीके से सेट कर दिया है सब कुछ। सबसे पहले मुझे आज ग्रास में पानी देना है, जी हाँ, लॉन के ऊपर पानी छिड़कूंगा और फिर दूसरे काम स्टार्ट करूंगा। ग्रास अच्छे वाली हरी हरी अब दिखने लगी है, देख लो, तो पानी अच्छे से दे दूँ। वैसे मिट्टी गीली है, देखो, ये देख रहे हो आप, मिट्टी गीली है और गीली रहनी चाहिए, ऐसे कुछ दिनों तक ऐसे ही गीली रखूंगा मैं मिट्टी। कल ओपनिंग है तो आज सिर्फ सुबह में अच्छे से पानी अभी छिड़क दूंगा, फिर रात को नहीं छिड़कूंगा, बिकॉज अगर रात को छिड़का ना तो फिर कीचड़ हो जाएगा दूसरे दिन और ओपनिंग में मज़ा नहीं आएगा। वैसे गाइज, ओपनिंग के वक्त लोगों को यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आने ना दूँ, ज़्यादातर बाहर ही सब ऐसे मंडप और वो सब लगेगा, चेयर वेयर लगेगी। पानी छिड़का जाए, बाल्टी के अंदर 2 बोतल एसिड और एक है ये हार्पिक जैसा कुछ है और ये झाड़ू। चलो काम स्टार्ट किया जाए गाइस, देख रहे हो पब्लिक टॉयलेट, ये पूरा साफ करना है, ये जो कलर वलर लगा है ना इसको निकालने की कोशिश करूँगा मैं, ये भी साफ करना है। ये है बाथरूम, ये एसिड है मेरे हाथ में, बहुत रिस्क है गाइस, बहुत रिस्क है, थोड़ा सा भी ऐसे उंगली पे या फिर कहीं पे भी टच हुआ ना बॉडी पे, भाई जलन होगी और जल जाएगा, स्किन पूरी बाहर आ जाएगी। अरे क्या बात है, मैं मार्केट जाके क्या आया, सब्जी मार्केट गया था, यहाँ पे तो मंडप लग के रेडी हो गया। देखो गाइस, पूरा दिन भगदड़ में मचा रहा और ऐसे ही दिन खत्म हो गया, सूरज ढल चुका है। बाकी मेरे सामने गाइस ये देखो, यहाँ पे मंडप लग चुका है,
खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा मंडप है। यहाँ पे शायद कल सुबह में ग्रीन नेट लगाएंगे नीचे, ऐसा मंडप वाले भाई साहब बोल रहे थे कि नीचे भी ग्रीन नेट लगाएंगे और ये पूरा एरिया जो है कवर हो जाएगा ऐसे, और कपड़ा लगा देंगे यहाँ पे तो रोड की धूल जो है अंदर नहीं आएगी, ऐसा मुझे बोल रहे थे मंडप वाले भैया। फिर पता नहीं गाइस मुझे, हाँ बाकी जो है सो है, यही है। अभी मार्केट जाके आया, उसके बाद कुक को लेने गया था उसके घर, तो आते आते वक्त हो गया। और गाइस आज का दिन ना बहुत ही ऐसे स्ट्रेस भरा रहा, बहुत ज़्यादा ही। पापा भी लोड में है, मैं भी लोड में हूँ, मम्मी भी लोड में है, हम सब लोग लोड में ही है गाइस। और अभी आज कल के लड्डू बनेंगे, जी हाँ गेहूं के मीठे लड्डू बनाने वाले कुक, तो कुक दो आए हुए वो लड्डू बनाएंगे। उसके बाद पता नहीं कल से, फिर कल सुबह से खाना बनाने के लिए वो लोग आ जाएंगे फिर से, और दाल चावल एक सब्जी और पूरी, और फिर पता नहीं और एक आधा आइटम होगी, बाकी बस इतना बनने वाला है, इतना पक्का है। हमारे रेस्टोरेंट में पहला दिया यहाँ पे जला दिया गया है, अब पहली बार फर्स्ट टाइम आग लगाई जाएगी, इसीलिए यहाँ पे श्रीफल और दिया जलाया और फिर अगरबत्ती रखी है। कुंभ स्थापन, जी हाँ कुंभ स्थापन बोलते हैं इसको, कुमारिका के हाथ, हाँ कुमारिका के हाथों से ये कुंभ स्थापन करवाया है। और ये नहीं होता ना तो तब तक हम आग नहीं दे पाते यहाँ पे, यानी कि जला नहीं पाते। अब अग्नि देवता को बुलाएंगे, बताएंगे अग्नि देवता को। बस अब जो है ये हो चुका है, अब अग्नि यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, हम जला सकते हैं अग्नि। तो यही सब गाइस, कुछ ना कुछ परंपरा रहती है जिसे निभाना जरूरी रहता है। तो देख लो इस तरह से कुछ हो रहा है यहाँ पे। अर्जुन भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब कि सभी लोग गैस जलाने पे तुले हुए, ऐसे छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है गाइस। पता नहीं गैस के रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम आया है तो रेगुलेटर चेंज कर रहे हैं। बाकी मैं अभी अर्जुन भाई का इंट्रो दे रहा था तो गोप्रो अचानक से बंद हो गया, मतलब यार बैटरी ख़त्म हो गई गोप्रो की, और अर्जुन भाई का इंट्रो ठीक से दे नहीं पाया। बट अर्जुन भाई बहुत अच्छे इंसान है, यही गाँव के है और रेस्टोरेंट के ठीक सामने उनकी ऐसे दुकान है छोटी सी, और वहाँ पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं। तो उनका इंट्रो मैं किसी और दिन ज़रूर करवाऊँगा कोई ना कोई वीडियो में। बाकी देख लो गाइस, देख लो सभी लोग ऐसे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं, सभी लोग मतलब वहाँ पे पानी छिड़का जा रहा है, सभी लोग कुछ ना कुछ भाई अपने तरफ से जितना हो पा रहा है उतना कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़माने में कोई अपना टाइम नहीं दे पाता किसी और को, और ये लोग दे रहे हैं, तो भाई इनका मैं एहसान ऐसे चुका तो नहीं पाऊंगा, बट दिल से खुशी हो रही है कि भाई ऐसे लोग मेरे सराउंडिंग है यहाँ पे। सो यही सब चल रहा है गाइस, फटाफट अब आग जलाने की कोशिश करेंगे, और रेगुलेटर चेंज हो जाएगा ना तो फिर गैस जल पड़ेगा, तो यही है। बाकी फटाफट अभी लड्डू बनाने, क्योंकि देर बहुत हो गई है ना तो लड्डू बनाने ज़रूरी है। बाकी देख लो गाइस, ये हमारे गाँव के बच्चे, तू तो बाजू के घर में ही रहता है ना, ये वाला ये चेयर रखे ना उसके पीछे वाले घर में ये रहता है और आता जाता रहता है, यहाँ घूमता रहता है ये एरिया में। और ये कौन है, दोस्त है तेरा? ओके, तो ये इसका दोस्त है। और वो देखो वो लड़का भी बहुत ऐसे शरारती है, शैतान तो नहीं कह सकते, शरारती है वो वाला तो उसको तो मैंने पहले यूट्यूब पे दिखाया हुआ है, मतलब वीडियो पे। बस बस बेटा आटली जावे तो गाइज पार्किंग एरिया में धूल बहुत उड़ रही है, तो इस वजह से ये लोग, देख लो हाई कर रहा है वो बच्चा तो इस वजह से ना अभी पार्किंग एरिया में पूरा पानी छिड़क रहे ऐसे पाइप से, तो क्या नहीं देखा तू जो अवे देखा है जन वो गाइस गोप्रो की ऐसे डिस्प्ले ऑफ हो गई थी तो बोल रहा था कि दिख नहीं रहा है। अरे एक कॉल आ रहा है, रात के 12 बजने वाले, और अभी सभी लोग जा चुके हैं, देख लो गाइस सभी लोग जा चुके हैं, और ऑलमोस्ट मैंने सारी लाइट से ऑफ कर दिए, और कुछ लाइट ऑन है उसे तो ऑन ही रहने देंगे, बाकी अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है अभी फ़िलहाल। और ये दो खटिया यहाँ पर बिछा दी है, जो कि हमारे दोनों कुक आज रात को यहीं पे रुकेंगे, महिपाल भाई और उनका नाम क्या है, शैलेश भाई, तो महिपाल भाई और शैलेश भाई यहीं पे रुकेंगे।
शैलेश भाई से मैं आज ही मिला हूँ, तो नाम थोड़ा सा ऐसे याद नहीं रहता, बट याद रह जाएगा। बाकी महिपाल भाई और शैलेश भाई ने बहुत आज हेल्प की, ऐसे लड्डू वड्डू अच्छे से बना दिए। अब कल सुबह में उठ के जल्दी रसोई स्टार्ट करनी, इसलिए वो दोनों यहीं पे रुक रहे, और जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ से घर उनका है कुछ 2 घंटे की दूरी पे, है ना, तो इस वजह से यहीं पे रुक जाएंगे और कल सुबह में जल्दी 4-5-6 बजे उठ के खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे, रेडी होके नहा धो के। तो गाइस बस अभी मैं घर जा रहा हूँ, अब सीधे मैं सुबह में आऊँगा 6-7 बजे, और 6-7 बजे वही रोज़ के जैसे कल भी रश रहेगा, और कल तो बहुत सारे लोग आने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कल लोड डबल रहने वाला है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, अभी फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं तक रखते। सारे गांव वाले जा चुके गाइस, बस मॉम डैड भी जा चुके, और एक दादाजी वहाँ पे, वॉचमैन दादाजी वहाँ पे सोए हुए अंधेरे में, उनको उजाला पसंद नहीं है। तो बस जल्द से जल्द अभी मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मेरा कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।